हेलो फ्रेंड, जैसा कि पिछले दो सालों से बिहार फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन बंद पड़ा हुआ है। कम से कम 4500 फार्मासिस्टों ने अपना रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, बट अभी तक कुछ रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया नहीं चालू हुआ है। बट आज प्रभात खबर और दैनिक जागरण में एक न्यूज़ आर्टिकल छपा हुआ है इस फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, क्योंकि जो पिछले कुछ दिनों में पटना हाई कोर्ट ने बिहार फार्मेसी काउंसिल को सख्त निर्देश दिया था कि एक सप्ताह के अंदर सभी पेंडिंग 4500 फार्मासिस्टों का रजिस्ट्रेशन पूरा किया जाए, उसी के मद्देनज़र देखते हुए पटना हाई कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में जो बिहार की जो फार्मेसी काउंसिल है उसका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चालू कर दिया गया है। जितने 4500 फॉर्म जो अभी गिरे हुए हैं उन सभी का जो सर्टिफिकेट होता है सत्यापन के लिए सभी कॉलेज में भेजा जा रहा है। जैसा कि नियम है कि बिना सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए अब बिहार सरकार ने फार्मेसी काउंसिल ने सभी रजिस्ट्रेशन जो भी अप्लाई किए हैं सर्टिफिकेट लगा है उनको कॉलेज द्वारा वेरीफाई किया जा रहा है, उसके बाद सभी का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलना चालू हो जाएगा। मैं आप लोगों को शुरू से इस पे वीडियो बनाता रहा हूँ, बिहार फार्मेसी का आपका खबर देते रहा हूँ। प्लीज़ अब आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों को जैसे मुझे खबर मिला, प्रभात खबर न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा है कि बिहार फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चालू हो गया है, सभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए भेजे जा रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। दो सालों का इंतज़ार वनवास खत्म हुआ। ठीक, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के बीच भी शेयर करिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया।